अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्नी के लिए है और डल स्किन के लिए। जैसे ये गर्मियों का मौसम आता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, और स्किन ऑयली होती है तो हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और वो चेहरे पे नुमायाँ नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद हमारे स्किन के ऊपर ऑयल होता है तो हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा डल लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका आज हम सलूशन देखेंगे, हम एक होम रेमेडी देखेंगे जिसकी मदद से हम इजीली आसानी से इन प्रॉब्लम से बच जाते हैं। क्योंकि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बहुत इशू उनको फेस करना पड़ता है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इनकी स्किन मोस्टली ऑयली ही रहती है। तो आज का जो फेस मास्क बनाएंगे तो वो ऑयली स्किन जिन लोगों की उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, और स्किन फ्रेशनेस के लिए होगा कि उसको आप लगाएंगे उसके बाद आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। दो डलनेस हो जाती है गर्मी की वजह से, ऑयल होने की वजह से बिल्कुल भी आपका चेहरा ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा होता, उस चीज को ओवरकम करेगी ये आज की हमारी होम रेमेडी, आज का हमारा फेस मास्क। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो एक्नी के लिए, स्किन डलनेस के लिए हम, और ऑयली स्किन के लिए जो हम फेस मास्क बनाएंगे उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है डिस्प्रिन और रोज़ वाटर। तो ये पहला स्टेप है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, डिस्प्रिन चाहिए और रोज़ वाटर चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपली डिस्प्रिन की टैबलेट को लेना है और हमने इसको डाल देना है इसमें। अब ये तो मैं आपको एज अ डेमो बता रही हूँ, आपने इसको अपने हिसाब से एक या दो टैबलेट्स भी ले सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा क्रश कर लें, ये देखिए, तो ये आसानी से फिर डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा रोज वाटर को ऐड नहीं करना। तो ये देखिए मैंने इसको अब क्रश कर लिया, मेरे पास ये जो टैबलेट थी इसको, ये बहुत आसानी से ये क्रश हो जाएगी, ये देखिए। अब ये क्या है, ये अच्छे तरीके से अब ये क्रश हो गई है। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, ये देखें क्रश हो गई, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर को ऐड कर देना। आपने रोज वाटर ज्यादा ऐड नहीं करना, आपने बिल्कुल थोड़ा सा रोज वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये देखें, अब ये रोज वाटर को ऐड किया है और ये हमारे पास एक पेस्ट बन गया है, आपको नजर आ रहा होगा ये एक पेस्ट बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पेस्ट को अप्लाई करना है, आपने इस तरह से लेना है और ये वाला पेस्ट इस तरह से अप्लाई कर देना है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने ये पेस्ट को अप्लाई कर देना है, तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने देना है, ठीक है। और ड्राई होने के बाद आपने नेक्स्ट इसको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपने पहले इसको लगा देना है अपने चेहरे के ऊपर और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है, फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट। ये देखिए अब ये कुछ हद तक ड्राई हो चुका है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने रोज वाटर लेना है और रोज वाटर को हमने डाल देना है इसके अंदर, बाउल के अंदर, और इसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स विटामिन सी सीरम के डालने हैं। ये देखें, ये मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने कुछ ड्रॉप्स, अगर आप चाहें थोड़े से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है। तो ये मैंने कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर विटामिन सी सीरम के ऐड कर दिए हैं। अब इनको ऐड करने के बाद मेरे पास ये है कंप्रेस मास्क, अब ये कंप्रेस मास्क हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये कंप्रेस मास्क अब हमने इसके अंदर ऐड डाल दिया है और आपने अब इसको क्या करना है, आपने इसको अब अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। आपने सिंपली रोज वाटर और इसके अंदर विटामिन सी जो सीरम है उसके कुछ ड्रॉप्स को सिर्फ ऐड करना है और इसको आपने इस तरह ओपन कर लेना है, और उसके बाद इसको आपने जो लगाया हुआ पहले से डिस्प्रिन का मास्क है
उसके ऊपर इस तरह से आपने इम्प्लीमेंट कर देना है, उसके ऊपर आपने ये लगा देना है और आपको आपने इसको लगा रहने देना है तकरीबन 20 मिनट तक के लिए। जब 20 मिनट हो जाएंगे फिर आपने इसको रिमूव कर लेना है। डन होने के बाद आपने इसको सिंपली रिमूव करना है और इसको हल्का सा आपने क्या कर लेना है, स्क्रब कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा आपने इसको स्क्रब करना है इस तरह से। और उसको स्क्रब करने के बाद आपने इसको सिंपल आपने इस तरह से क्लीन कर लेना है, चाहे आप उसी मास्क के साथ इसको क्लीन कर लें। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन मास्क जो है वो आपके पास तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी स्किन को भी फ्रेश करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो बहुत ज्यादा ऑयल है उसको भी कंट्रोल करेगा। और उसके बाद हमारे स्किन पे जो पिंपल बन जाते हैं गर्मियों में, ये उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। ये एक्नी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। तो ये बहुत ही लो बजट मास्क है और बहुत ही अच्छा है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें और इसके रिजल्ट से फायदा उठाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्नी है, तो आप इस मास्क को अप्लाई किए बगैर, जो हमने बाद में अप्लाई किया है ये कंप्रेस मास्क, इसके बगैर भी आप सिंपली क्या कर सकती हैं, अरके गुलाब के अंदर डिस्प्रीन की टैबलेट को ऐड करें और इसको अपने पिंपल के ऊपर लगा दें तो आपके पिंपल्स जो से हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन टोटका है, इसको इम्प्लीमेंट करें और इसे फायदा उठाएं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।